डू द रूल थ्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कॉफिशेंट्स. सो इक्वेशन इज डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इन सिम्बॉलिक फॉर्म. वो क्या बनेगी, हम कैपिटल डी में कर देंगे, डी क्यूब प्लस वन होल वाई इज इक्वल टू जीरो. नाउ वी विल राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन. इसमें आप y नहीं लिखोगे, डी क्यू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू जीरो, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. सो हमारे पास यहाँ पर रूट्स क्या आएंगे, डी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. डी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन, राइट. और यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा, डी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल ओवर टू ए. तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी आपके पास माइनस वन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन ओवर टू इंटू वन. सो इट विल बी इक्वल टू वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस फोर ओवर टू, विच इज़ इक्वल टू वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा ओवर टू. बिकॉज हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस वन किसके इक्वल होता है, आयोटा के, राइट. अब मेरे पास डी की वैल्यू आ गई वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा ओवर टू. वी कैन राइट इट एज वन ओवर टू प्लस माइनस, हम सेपरेट कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, दिस इज़ रियल एंड दिस इज़ इमेजिनरी. सो मेरे पास डी के थ्री रूट्स आ गए हैं, राइट. नाउ वी नो दैट कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. देयरफॉर मेरे पास वाई का आंसर क्या आएगा, सी वन ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस, अब पहले हम रियल पार्ट को लिखेंगे, ई रेज टू पावर एक्स बाई टू. नाउ ब्रैकेट में सी वन ऑलरेडी हो चुका हुआ है, सी टू कॉस अंडर रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी थ्री साइन अंडर रूट थ्री बाई टू x. This is our answer. Okay. Now next question is solve d raised to power 4 minus m raised to power 4 y is equal to 0. ये already हमारे पास auxiliary equation लिखनी है, already हमारे पास है ये symbolic form में. तो auxiliary equation क्या बनेगी, हम y नहीं लिखेंगे, d raised to power 4 minus y m raised to power 4 is equal to 0. अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए डी स्क्वायर है और बी एम स्क्वायर है. क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास माइनस एम स्क्वायर आ गई है, यहाँ पे डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर. क्योंकि ये नेगेटिव में वैल्यू है तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस एम आयोटा, राइट. तो ये पॉजिटिव में है तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस एम हो जाएगा. ये फोर रूट्स हमारे पास आ गए हैं. नाउ वी विल हैव टू राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, लिखना है हमें. सो कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. देयरफॉर वाई इज इक्वल टू, पहले मैं रियल और डिस्टिंक्ट पार्ट वाले के लिए लिख रही हूँ, सी वन ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस सी टू ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, राइट. नेक्स्ट सी वन हो गया, टू हो गया, नाउ सी थ्री लिखेंगे हम, सी थ्री कॉस नाउ एम इंटू एक्स प्लस सी फोर साइन एम एक्स, राइट. दिस इज आवर आंसर.